Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session of tense classes. You see, I have already told you that for spoken English, tense is extremely required. मैंने आपको बताया था कि spoken English के लिए tense बहुत ज़रूरी है. Unless and until you have good command over tense, you cannot speak English very well. जब तक आपको बहुत अच्छा command नहीं होगा tense पे, आप बहुत अच्छी English नहीं बोल पाएंगे. So to do so, we need to have a good command over tense. और हम लोगों ने tense का overview करा था. We have just had few things related to tense. हम लोगों ने tense के बारे में बहुत सारी बातें की थी और उनमें ये देखा था हम लोगों ने कि half of your spoken English is done when tense is done. उसके बाद time and tense के बीच में फर्क पड़ा. बहुत सारी चीज़ों को डील करने के बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कशन कर लिया था. उसके यूजेस वगैरह बता दिए थे आपको. और आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट. आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज करेंगे, क्या स्ट्रक्चर्स होता है. तो एक छोटा सा कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे उसने खाना खाया. इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, वह खाना खा चुका. या इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, उसने खाना खा लिया. ऐसा कुछ भी हिंदी में लिखा हुआ हो, सबका सेंस एक ही समझना है. और जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश बनाएंगे ही एट फूड. तो ऐसा क्यों हो गया, हम लोगों ने ही एट फूड क्यों बनाया? तो इसके पीछे का कारण यह है कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पास्ट इंडेफिनिट का फिक्स स्ट्रक्चर है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमें V2 ही लेना है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब ही लेना है. और उसके बाद हमारा सेंटेंस पूरा हो गया. तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. अब हमें बनाना है नेगेटिव, नकारात्मक, द सेंटेंस विच इज नेग्लेक्टेड. तो पिछली क्लास में भी मैंने बोला था टू मेक एनी सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन वी नीड टू पुट नो और नॉट समवेयर इन द सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें सेंटेंस के अंदर नो या नॉट लगाना पड़ता है. बट वी कांट पुट नो और नॉट एनीवेयर इन द सेंटेंस. वी नीड टू पुट इट अलॉन्ग विद एन ऑक्सिलरी वर्ब. हम कहीं भी नो और नॉट नहीं लगा सकते, उसे जब भी लगाना होता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, सहायक क्रिया के साथ लगाते हैं. एंड एज यू कैन सी यहाँ अभी तक कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. तो जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि डू और डज दो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में डिड छिपा हुआ रहता है और डिड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. अब वो यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वो आएगा और उसी में नो नॉट लगा दीजिए. शॉर्ट एंड फॉर्म में उसको हमने कहा डिड. इस डी का चाहे तो साउंड नहीं पढ़ सकते, इसको डिडंट कहने से अच्छा आप डिंट बोले, ज्यादा साउंड अच्छा करता है. इसे खोल के डिड नॉट भी कह सकते हैं. जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस के बाद V1 आ रहा था, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में डिड के बाद भी V1 ही आता है और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर. अब हमें करना है अगर इंटरोगेटिव. तो टू मेक एनी सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव वन वी नीड टू पुट ऑक्सिलरीज बिफोर द सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला देना होता है. तो इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, इसको सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे. ये रहा हमारा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा V1 और फिर आएगा ऑब्जेक्ट. एंड इन दी एंड देयर विल बी ए क्वेश्चन मार्क. लास्ट में क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क आपका आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. फिर एक स्ट्रक्चर लिया था हम लोगों ने इंटरोगेटिव नेगेटिव. तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, इंटरोगेटिव हो रखा है, इसमें हमें नेगेटिव कर देना. नेगेटिव करने के लिए मैंने पहले ही बोला कि आपने क्या करना है, नो और नॉट लगाना है. नो और नॉट कहाँ लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देते हैं. इसी में इसे बना दिया डिंट प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा रहेगा ही रहेगा. इस डिंट को आप चाहें तो नो नॉट को खोल करके भी लिख सकते हैं और इसे यहाँ लिखेंगे डिड ही नॉट, यानी डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऐसा करके हमें लिखना पड़ेगा. और अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन बना दे, शॉर्ट एंड फॉर्म बना दे, तो डिंट को एक ही साथ प्रोनाउंस करेंगे. फिर हम लोगों ने एक देखा था WH इंटरोगेटिव. तो ये कुछ नहीं है, व्हेन 9 काइंड्स ऑफ WH आर पुट बिफोर एनी इंटरोगेटिव दे आर कॉल्ड WH इंटरोगेटिव. जब भी 9 काइंड्स ऑफ WH में से किसी एक को भी उठाकर इंटरोगेटिव के पहले रख देते हैं, उसे ही WH इंटरोगेटिव कहते हैं. यानी WH वर्ड्स प्लस डिड से लेकर के सारा का सारा सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा. और एक जब WH इंट्रोगेटिव बना तो एक हम बना सकते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स आर पुट बिफोर एनी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, दे आर कॉल्ड WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसके पहले जैसे ही हम लोग कोई WH वर्ड रख देंगे ये कहलाने लगेगा हमारा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। चलिए इन स्ट्रक्चर्स पर ये सेंटेंस को पूरा हम लोग करके लिखते हैं, देखते हैं कि क्या ये सही फॉर्म्स बनेंगे, क्या फॉर्म्स नहीं बनेंगे, सेंटेंसेस क्या बनेंगे देखते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया कि उसने खाना खाया तो बनाया ही एट फूड, हिंदी हुई उसने खाना खाया या वह खाना खा चुका या उसने खाना खा लिया। अब हमें बनाना है कि उसने खाना नहीं खाया, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख देते हैं और नहीं के लिए कह रहा है कि डिड में नॉट लगा के ले आइए, तो इसको ले आते हैं, ये हो गया हमारा डिड। लेकिन अब हम एट नहीं लिख सकते, कह रहा है कि अब V1 लाना है, तो V1 ले आते हैं ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा ही रहेगा फूड, तो सेंटेंस हो गया ही डिडंट ईट फूड। अब हमें बनाना है कि क्या उसने खाना खाया, तो ऐसा करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट और इंडियन देयर विल बी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, सेंटेंस बन जाएगा डिड ही ईट फूड। अब हमें हिंदी करनी है कि क्या उसने खाना नहीं खाया, तो फिर वही बात, इसे हम नो नॉट लगा के लिख देते हैं डिडंट, बाकी चीजें सेम रहेगी ही ईट फूड, डिडंट ही ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया, या उसे आप खोल करके भी लिख सकते हैं डिड ही नॉट ईट फूड, ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि बोलचाल में इन स्पोकन इंग्लिश Didn't, can't, wouldn't, won't ये सब जो होता है ना ये ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने भी ज्यादा वही यूज करा है, और ग्रामर में तो ऐसे आप did he not भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कहना है कि उसने खाना कब खाया, तो कब का इंग्लिश होता है when, उसको इसके पहले लिख देना है बस और कुछ नहीं करना है, when did he eat food, उसने खाना कब खाया when did he eat food। उसने खाना क्यों नहीं खाया, तो क्यों का इंग्लिश वाई होता है, बस वाई को इसके पहले रख देना है और ये बन गया हमारा वाई डिडंट ही ईट फूड, उसने खाना क्यों नहीं खाया। तो इस तरह से आप इसके ट्रांसलेशंस बना सकते हैं, एक फॉर्म कोई भी मिल जाएगा, बाकी का 5 फॉर्म कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल स्वरूप देख लें, मैंने पढ़ाई नहीं की तो आई डिडंट स्टडी, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ाई की आई स्टडीड, क्या मैंने पढ़ाई की डिड आई स्टडी, क्या मैंने पढ़ाई नहीं की डिडंट आई स्टडी, मैंने पढ़ाई कहाँ की वेयर डिड आई स्टडी, मैंने पढ़ाई कब नहीं की व्हेन डिडंट आई स्टडी। मतलब कोई भी एक फॉर्म अगर हमें मिलेगा तो बाकी के 5 फॉर्म हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे डिड ही गो टू पटना, क्या वह पटना गया, तो इसका अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू पटना, नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिडंट गो टू पटना, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट ही गो टू पटना। तो इस तरह से अगर एक फॉर्म भी हमें कोई मिलेगा तो कंजुगेशन फॉर्म की वजह से बाकी के 5 फॉर्म हम खुद ब खुद बना सकते हैं और इस तरह से आप इनके ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट एंड आफ्टरवर्ड का यूज कहाँ होता है, उसके लिए मुझे 1 मिनट टाइम दे, मैं इसे इरेज कर लूं फिर मिलता हूं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ पास्ट एंड आफ्टरवर्ड, मतलब पास्ट एंड आफ्टरवर्ड का यूज कहाँ करते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला बात तो स्टेट कंसर्न यही है कि ऐसा कोई भी बात या ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में घट चुका, पूरी तरह समाप्त हो चुका, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, डन इन पास्ट, तो उसे ही हम पास्ट एंड एफर्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि ही वेंट टू पटना, तो मतलब हुआ कि वह पटना चला गया, ये काम पास्ट का था, पास्ट में ही डन, पूरी तरह से समाप्त, फिनिश, तो इसे हमने पास्ट एंड एफर्ट बनाया। मान लीजिए मैंने कहा मोहन डाइड इन 1980, मतलब हुआ मोहन 1980 में मर गया, मरने का काम बेचारे का पास्ट में ही खत्म। तो ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट में पूरी तरह डन हो गई, कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई, समाप्त हो गई, उसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पहला नियम तो ये समझे। दूसरा नियम ये है कि पास्ट की घटना या पास्ट से रिलेटेड सिचुएशन, स्थिति बतलाने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट से रिलेटेड सिचुएशन, पास्ट से रिलेटेड स्थिति बतलाने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इट वॉज वेरी हॉट, मतलब हुआ बहुत गर्मी थी, पास्ट की स्थिति बतला रहे हैं कि पास्ट में कैसा माहौल था भाई, तो पास्ट में बहुत गर्मी थी। मैंने कहा मोहन वॉज इल, तो मतलब हुआ मोहन बीमार था, अभी है नहीं, पास्ट की स्थिति मोहन बीमार था। तो पास्ट की स्थिति बतलाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तीसरा नियम यह है कि पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। पास्ट की आदत आपने देखा होगा, मैंने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रेजेंट की आदतों को लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था, डॉक्टर साहब बकरी का दूध पिया करते हैं, प्रेजेंट की आदत। मैं रोज सुबह 5 बजे जग जाया करता हूं, प्रेजेंट की आदत। तो हम लोगों ने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया था। लाइकवाइज अगर हमारे पास कोई पास्ट की आदत है, इफ यू हैव एनी पास्ट हैबिट वी कैन आल्सो यूज पास्ट इंडेफिनिट टू रेफर द सेम। उस चीज को बतलाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे वह नाचा करती थी, शी यूज्ड टू डांस। मैं सिगरेट पिया करता था, आई यूज्ड टू स्मोक। ठीक है, ये पास्ट की आदत है, खत्म हो चुकी है ये आदत। अगर ये आदत अभी भी रहती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं शी डांसेस, आई स्मोक, ऐसा करके बनाते। अब आप देख रहे हैं कि यहां मैंने एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लिया है यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का यूज ही किया जाता है पास्ट की आदत के लिए। पास्ट की आदत को बतलाने के लिए ही हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका प्रयोग ना करें और इसके जगह पर सिर्फ इतना ही लिख दें कि शी डांस्ड, तो मतलब हो गया उसने नाचा या वह नाची। आई स्मोक्ड ऐसा लिख दें तो अर्थ हो जाएगा कि मैंने सिगरेट पिया। पिया मतलब क्या, अभी अभी पिया। और मुझे क्या बोलना है कि किसी जमाने में मैं सिगरेट पिया करता था। तो ऐसा करने के लिए हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ता है। मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, यूज्ड टू को टेंशन नहीं लीजिए। एक और हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज देख लें कि कभी कभी पास्ट में किसी घटना के होते रहने का भी बोध कराने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि उसके लिए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल समझिए, व्हाइल दे डांस्ड, जब वे नाचा करते थे, वी सैंग, हम लोग गाया करते थे। तो टेक्निकली ये जो मैंने आपको 4 रूल्स बताया, हालांकि एक और रूल है उसको मैं बार बार ही कह रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस का वो रूल है। मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा और उस समय कंडीशनल सेंटेंसेस में वो उन सारी बातों को बताऊंगा। तो उस वक्त हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, तब जाकर के उसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्या होता है, क्योंकि उसमें काश, यदि, ऐसा करके सेंटेंस होता है। तो उसके बारे में बाद में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में छोड़ देते हैं। तो यानी पास्ट इंडेफिनिट में एक कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल भी आता है, एक नियम आता है, लेकिन उसे मैं अभी स्किप करके जा रहा हूं। अभी बस आप इतना ही समझें कि ऐसी कोई घटना जो पास्ट में पूरी तरह डन, फिनिश, कंप्लीट, समाप्त हो चुकी, उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। पास्ट से रिलेटेड किसी कंडीशन, स्थिति का वर्णन करने में भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। और कभी कभी पास्ट में 2 घटना एक साथ होते रहने की स्थिति बतलाने में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ओवरऑल आप इसको ऐसे समझे कि ऐसा कोई भी बात, कुल मिलाकर के सबका सारांश समराइज करें तो एक ही चीज निकलेगा कि ऐसा कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट में पूरी तरह डन, फिनिश, कंप्लीट, समाप्त हो चुका, चाहे वो आदत हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसे ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब जरा हम लोग इसको इरेज करेंगे और यूज्ड टू वाले यूज को भी एक बारी फिर से समझेंगे। चलिए बात करें अब हम लोग जरा यूज्ड टू की। मैंने अभी बोला कि यूज्ड टू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं भाई, तो पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए, यानी पास्ट की आदतों को व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स वी यूज यूज्ड टू। हम लोग पास्ट के हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब कैसे, तो एग्जाम्पल यही ले लें जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था कि मैं सिगरेट पिया करता था। अब अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट के नॉर्मल स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस V2 से बना दें आई स्मोक्ड, तो अभी मैंने बोला कि हिंदी अर्थ निकलने लगेगा मैंने सिगरेट पिया, मतलब शायद अभी अभी पिया। और हमें पास्ट का आदत बतलाना है, इसीलिए इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करेंगे आई यूज्ड टू स्मोक। क्या स्ट्रक्चर चलने लगा, पास्ट एंड एफर्ट होते हुए भी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय यूज्ड टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ V2 के जगह हम लोगों ने यूज्ड टू का यूज करना शुरू कर लिया, और यूज्ड टू अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, जो 13 प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक यूज्ड टू है। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू और मस्ट, ये 13 जो होते हैं, ये 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, और उसी में एक ये भी है। यानी ये एक सहायक क्रिया ही है, इट इज वन ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी, सो इट इज एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब है नो नॉट भी लग सकता है इसमें। तो सब्जेक्ट के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट यूज में ही नो नॉट लगा सकते हैं, और इसको प्रोनाउंस करना है यूजिंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार लोग बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, यू डिड नॉट टू ऐसा बोलने लग जाते हैं, और उसको बोलने में काफी कंफ्यूजन होने लगता है। यू डिडंट टू ऐसा बोलने लग जाते हैं, यूजिंग टू हम लोगों की तरह बड़े अच्छे से नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो इसका दूसरा तरीका है, इस स्ट्रक्चर को आप सीधे सीधे आराम से खोल करके लिखिए। कैसे भाई? तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नॉट टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अब इसका हर चीज चाहे तो आप दो दो को बना सकते हैं। पहला तरीका हो गया कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके इंट्रोगेटिव बनाया जाता है ना, तो यूज्ड को आगे लाइए, टू आगे नहीं आएगा, केवल यूज्ड आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करने में समस्या हो रही है, हालांकि ये तो बहुत आराम से हो गया, तो हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे, अच्छा यहां पर मैं एक और तरीका से आप चेंज कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट के बाद डिंट ले आइए, और डिंट के बाद यूज टू का यूज कर लीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया ना, उसी तरह से इसका V1 कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले डिड लग गया इसलिए यहां पर मैं V1 हो गया। उसी तरह अब इसका भी दो को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? कि डिड को आगे ले आइए, फिर सब्जेक्ट और फिर यूज टू, यूज टू का V1, यूज टू, और उसके बाद फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताया, सब वही चीज किया जा रहा, कोई नई बात नहीं की जा रही है। उसी तरह इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, हर चीज दो दो को चाहे तो बना सकते हैं। पहले डायरेक्ट इसी में नो नॉट लगा करके आप इसको बना सकते हैं, यूजेंट प्लस सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट, या तो इस स्ट्रक्चर से बना लीजिए। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो और करके एक और स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, उसे आप देख लें। इस स्ट्रक्चर में नो नॉट लगा दीजिए, तो ये बन गया हमारा डिंट, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, V1 आने लगा, यूज टू V1 ऑब्जेक्ट। मतलब इसी में आप WH चाहे तो दोनों के आगे WH लगा दे तो वो कहलाने लगेगा WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए इसको पूरा करके अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं सिगरेट पिया करता था तो मैंने बनाया आई यूज टू स्मोक। अब मुझे बनाना है कि मैं सिगरेट नहीं पिया करता था, तो पहले तरीके से लेकर के चलिए ये तरीका, इस तरीके से बनाएंगे तो बना आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक। अगर हमें दूसरे तरीके से बनाना है तो बनाएंगे आई डिडंट यूज टू स्मोक, आई डिडंट यूज टू स्मोक। अब अगर हमें क्वेश्चन करना है कि क्या मैं सिगरेट पिया करता था, तो इस तरीके से पहला तरीका से बनाए तो ये बनेगा, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव पर आते हैं। पहले तरीका से आया कि यूज्ड आई टू स्मोक, अगर दूसरे तरीके से बनाना है तो डिड आई यूज टू स्मोक। ये दोनों तरीका हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो यूजंट आई टू स्मोक, यूजंट आई टू स्मोक, या इस तरह से बनाने डिड आई यूज टू स्मोक, डिडंट आई यूज टू स्मोक। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी तरह इसके आगे WH लगा देंगे कि when used I to smoke, मैं कब सिगरेट पिया करता था, when did I used to smoke, मैं कब सिगरेट पिया करता था, मैं क्यों नहीं सिगरेट पिया करता था, why used I to smoke या why did I used to smoke। तो इसी तरह से आप इसका पूरा का पूरा 6 स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और ये used to से रिलेटेड आपका, यानी आदत से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हो गए, बन गए। अब मुझे लगता है कि आज मैं एक ही चैप्टर छोड़ूं, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि पूरे के पूरे टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा डिटेल किया, उसके पहले भी कई सारे वर्क किए, और अब उसके बाद मैंने आज आपको पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट। मैं चाहूँ तो अभी फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ाकर खत्म कर सकता हूँ, और वो 10 मिनट्स में हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आप समझें, देखें, और आप आराम से इन चीजों को करें, हड़बड़ा करके नहीं करें। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ये फायदा है कि जहां जहां मन करेगा आप वहां रोक करके फ्री, मतलब उसको रिवर्स कर करके पीछे जा जा करके आप आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो एक साथ सारे टेंस का वीडियो भी शूट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बने तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और होपफुली मुझे लगता है 10 मिनट्स है तो मैं उसको भी शूट कर सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं ज़रा फ्यूचर इंडेफिनिट की। मैंने जैसा बोला था कि टेंस में, फ्यूचर टेंस में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस में कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और सबका निचोड़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा समझें। ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा, ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में सामान्य रूप से नॉर्मली होगा, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे I shall go to market, मतलब हुआ मैं बाजार जाऊंगा। बड़ा सिंपल सा बात हुआ कि मैं बाजार जाऊंगा, बस। तो नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल सा चीज है, इसीलिए इसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया। आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल की जगह विल यूज हो रहा है, तो इसे आई विल गो टू मार्केट भी कह सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा हो रहा है। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट के बाद आता है शैल या विल, ट्रेडिशनल ग्रामर की बात कर रहे हैं। उसके बाद वी1 आता है, देन इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल कहते हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं, बार-बारी कह रहे हैं कि विल का ही यूज आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सारे सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, सारे सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल ही यूज हो रहा है। लेकिन मैं आपको तो दोनों बात बताता चलता हूँ, ट्रेडिशनल भी बात बताता चलता हूँ और मॉडर्न भी बताता चलता हूँ। अब अगर हमें नेगेटिव करना है तो मैंने अब तक आपको कई बार बताया कि नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस में नो नॉट लगाया जाता है, और नो नॉट कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसे अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करें, शॉर्ट एंड फॉर्म बनाए, तो शैल नॉट को शॉर्ट में कहते हैं शांट, और विल नॉट को शॉर्ट में कहते हैं वोंट। ध्यान देंगे, विलंट जैसी कोई चीज नहीं होती, ना ही शैलंट जैसी कोई चीज होती है। ऐसा कोई टर्म नहीं बना इंग्लिश ग्रामर में। अगर आप क्वेश्चन टैग वगैरह पढ़ना चाहते हैं आगे, तो इन चीजों को अच्छे से दिमाग में डाल लें कि देयर इज नो सच वर्ड कॉल्ड शैलंट और विलंट। जो शॉर्ट फॉर्म है वो है शांट और वोंट। शैलंट विलंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो आप इसको खोल करके शैल नॉट लिख लीजिए, खोल करके विल नॉट लिख लीजिए, और नहीं तो शांट और वोंट कहिए, कतई इसे आप शैलंट विलंट नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव करने के लिए आपको कहा, ये हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे, शैल और विल आ गया, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा V1, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क हमारा रहेगा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, शॉर्ट एंड फॉर्म की बात करें तो फिर इसे शांट या वोंट, और बाकी चीजें सेम रहेंगी। आप चाहें तो खोल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर खोल करके लिखेंगे तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऐसा करना पड़ेगा। WH इंट्रोगेटिव करना है तो WH प्लस ये पूरा का पूरा, यानी शैल विल से लेकर के पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे भाई, तो WH और इसके बाद ये पूरा का पूरा, WH प्लस शांट वोंट से लेकर के पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। छह स्ट्रक्चर की हिंदी के साथ साथ जरा पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करें। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, तो हम लोगों ने बनाया कि आई शैल गो टू मार्केट। अब हमें बनाना है कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। सिंपल है ना, नहीं के लिए हमें शैल में नो नॉट लगा देना है। तो या तो हम बना दे कि आई शैल नॉट गो टू मार्केट, या आई शांट गो टू मार्केट। आई शांट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आइए। चलिए इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लें, ये बन गया शैल आई गो टू मार्केट। शैल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा। इस आगे आए हुए शैल में नो नॉट लगा दिया जाए, इसे शॉर्ट एंड फॉर्म बना दिया जाए, बन गया शांट, और बाकी सेम टू सेम रहेगा। शांट आई गो टू मार्केट, मैं बाजार कब जाऊंगा, तो कब की इंग्लिश बस इसके पहले रख देनी है। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन शैल आई गो टू मार्केट। व्हेन शैल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा, तो क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, और उसके बाद ये पूरा का पूरा, वाई शांट आई गो टू मार्केट। तो इस तरह से आप वापस फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे ट्रांसलेशंस को बना सकते हैं। तो मेरा अब रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जो भी अपने पास बुक्स मौजूद हों ट्रांसलेशंस की, जैसे हमारे यहाँ मेनली बच्चे ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक बनाते हैं, या परफेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक बनाते हैं, और भी कई सारे केपी ठाकुर वगैरह की बुक्स हमारे यहाँ काफी पॉपुलर हैं। तो आप उनमें से किसी से भी ट्रांसलेशंस बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, और जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी परेशानी आती हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखिए। मेरा अगर नंबर आपके पास उपलब्ध है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जहां तक संभव होगा, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, आई विल बी ट्राइंग टू गिव यू प्रॉपर आंसर्स टू योर प्रॉब्लम, प्रॉपर सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। एंड अभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ बातें रह गई, मैं जानबूझ करके इसको स्किप करके जा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इससे जुड़ी हुई और भी कुछ बातें, और खासकर वो बात कि कब पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है और कब फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। बहुत बड़ा इश्यू है, अच्छे अच्छे लोग इसमें स्किप कर जाते हैं, नहीं बता पाते, और स्टूडेंट्स कई बार हमेशा परेशानी में रहते हैं इस चीज पर। यानी कॉमन एरर्स की भी बात कर लें उसको, और प्रैक्टिकल यूज की भी बात कर लें। विल बी डिस्कसिंग ऑन द सेम इश्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। Till then, enjoy your time, have a great day, keep watching our video and keep learning. This is Ashish Kumar signing off. Thanks for watching.